हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश मैरीगोल्ड वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया था ना। नेक्स्ट पेज नंबर 53। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 53 से। इसमें देखो, पेज नंबर 53 में हमने जैसे ए और बी वाला मैचिंग किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, उसका मैचिंग करना है हमें। यहाँ पे सारे नेम्स दिए गए हैं और यहाँ पर सारे साधन दिए गए हैं। ओके, देखो, फर्स्ट नाम हमें क्या दिया गया है, फायरमैन। सेकंड नाम ग्रोसर। थर्ड नेम प्लम्बर। फोर्थ नेम कॉबलर। फाइव नेम पेंटर। और सिक्स नेम पोस्टमैन। ओके, तो चलो देखते हैं हम। फायरमैन को आग बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फायरमैन किसका यूज़ करता है? उसे इन सब में से पाइप की ज़रूरत पड़ती है ना। वो कैसे आग बुझा सकता है? वो पाइप के ज़रिए ही आग बुझाएगा ना, दूर दूर तक की। तो उसे सबसे ज़्यादा पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम फायरमैन को पाइप में मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, टू नंबर में है ग्रॉसर। ग्रॉसर मतलब सब्जी बेचने वाला। अब सब्जी बेचने वाले को क्या चाहिए? अब हम कहीं पे सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी बेचने वाला हमें कैसे सब्जी देता है? तो वो तोल कर देता है, मतलब बैलेंस। ये माप तोल कर देता है ना, तो किससे तोलता है? बैलेंस से। ओके, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? बैलेंस की। तो चलो, ग्रोसर को मैचिंग करो बैलेंस में। ओके, नेक्स्ट देखो, थ्री नंबर में प्लम्बर। प्लम्बर मतलब जो नल वगैरह, हमारे जो नल वगैरह ख़राब हो जाते हैं उन्हें सही करने के लिए कौन आता है? प्लम्बर आता है। तो प्लम्बर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नट बोल्ट की, है ना। नट बोल्ट फिट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये सब की ना, पकड़ की ना, ये सब की नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये प्लम्बर यूज़ करता है नट बोल्ट। कौन यूज़ करता है? प्लम्बर। तो चलो, प्लम्बर को नट बोल्ट में मैच कर दो। ओके, नेक्स्ट है फोर नंबर में कॉबलर। कॉबलर मतलब क्या होता है? कॉबलर मतलब होता है मोची। अब मोची को आप लोगों की चप्पल जूते सिलने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? उसको यूज़ करना पड़ता है नीडल की, मतलब सुई और धागे की ज़रूरत होती है ना। तो चलो, कॉबलर को इससे मैचिंग कर दो। ओके, तो चलो देखो, कॉबलर को मोची को अब जूते चप्पल सिलने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? सुई धागे का। तो ये रहा सुई धागा। ओके, फाइव नंबर पेंटर। PAINTER, पेंटर। पेंटर पेंटर को कलर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेंटर कोई चित्र बनाता है और उसमें कलर भरने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? उससे पीछी और कलर की, है ना। तो चलो, मैचिंग कर दो। पेंटर को कलर और पीछी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मैचिंग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर में पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन हमारे जो लेटर्स होता है वो हमें देता है ना। जो हमारे लेटर्स होता है, जो हमें कोई हमारे रिलेशन वाले लेटर्स भेजते हैं, हमें लिखकर भेजते हैं, वो कौन लाता है? पोस्टमैन लाता है। किस में लाता है? वो अपने बड़े से बैग में सारे पोस्ट कार्ड, सारे लेटर्स भरकर लाता है और हमारे राइट पते पर हमें पहुँचा देता है ना। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे सारे नेम्स को हमने उनके साधन से जोड़ दिया है ना, कि कौन किस चीज़ का यूज़ करता है, इसलिए हमने सारे साधन और सारे नेम्स को जोड़ दिया है। ओके, तो चलो एक बार फिर से देख लो। फायरमैन को पाइप से और ग्रोसर को बैलेंस से जोड़ना है, प्लम्बर को नट बोल्ट से जोड़ना है, कॉबलर को सुई धागे से जोड़ना है, पेंटर को कलर एंड पीछी से जोड़ना है, पोस्टमैन को बैग एंड लेटर्स से जोड़ना है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो अब हमें क्या करना है, मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो हमें यहाँ पर एक जैसी वॉइस आती है उन सबको मैचिंग करना है। जैसे देखो इसमें किया गया है सितार, और देखो एग्जांपल के लिए हमें दिया गया है सितार और गिटार, ये दोनों मैचिंग, इन दोनों की आवाज़ कैसी आती है? सेम ही आती है, मतलब थोड़ी मिलती जुलती होती है, पूरी परफेक्ट सेम नहीं आती बट थोड़ी मिलती जुलती है। तो हमें उदाहरण में दिया गया है, सेकंड है हारमोनियम,
ओके हारमोनियम, और ये हारमोनियम है। अब देखो ये हारमोनियम है और ये पियानो है, इन दोनों का साउंड कैसा आता है, एक जैसा आता है ना। देखो ये रहा पियानो और ये रहा हारमोनियम, तो हम क्या करेंगे, हारमोनियम और पियानो को मैच कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की वॉइस, इन दोनों का साउंड बिल्कुल एक जैसा होता है। थर्ड नंबर पे है फ्लट। ओके फ्लट की वॉइस कैसी होती है, फ्लट की वॉइस किसकी जैसी होती है, इसकी जैसी, शहनाई की जैसी है ना फ्लट की वॉइस। तो चलो फ्लट को शहनाई से मैच कर दो, फ्लट को शहनाई से मैच करेंगे। नेक्स्ट है तबला। ओके तबला को हम किससे मैच करेंगे, ढोल से मैच करेंगे, क्योंकि ढोल और तबला देखो दिखने में भी एक जैसे हैं और इसका साउंड भी बिल्कुल एक जैसा होता है। तो चलो इसको मैचिंग कर दो, तबला और ढोल को मैचिंग कर दो। ओके नेक्स्ट देखो फोर नंबर में, नेम द पिक्चर्स एंड मेक ए न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स देखो इधर हमें क्या दिया गया है, टू पिक्चर्स दी गई हैं, उन टू पिक्चर्स में से हमको A11 पिक्चर्स के नेम लिखने हैं और फिर उसका पूरा नेम यहाँ पे लिखना है और आंसर हमारा यहाँ पे राइट आएगा। जैसे देखो ये क्या है, रेन, रेन मतलब वर्षा, बरसात, यहाँ पे रेन स्पेलिंग लिखी है, और ये क्या है कोट, तो रेन कोट, तो हमें इसका जोड़ प्लस कर देना है रेन कोट, और ये देखो हमारा पूरा शब्द बन गया रेन कोट। ओके तो चलो इसी तरह हम आगे वाला पेज कंप्लीट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, सन, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम SUN सन। ओके सन है ये, और फिर प्लस, और ये क्या है फ्लावर, क्या है स्टूडेंट्स ये फ्लावर, तो हम इधर फ्लावर की स्पेलिंग लिखेंगे FLOWER, हमने लिखा ये सन है और ये फ्लावर है, और इधर लास्ट में क्या दिया गया है सनफ्लावर, तो अब हम इसको जोड़ देंगे, इसका प्लस कर देंगे सन प्लस फ्लावर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम SUN FLOWER सनफ्लावर। ओके सेकेंड नंबर है रेन, ये क्या है रेन, ये देखो ये तो क्लाउड है मतलब बादल, और इसमें से वर्षा हो रही है मतलब ये वर्षा क्या है रेन है, बारिश रेन है, तो हम रेन की स्पेलिंग लिखेंगे RAIN रेन। प्लस ये क्या है रिबिन, बो, रिबिन BOW बो, तो ये क्या हो गया पूरा रेन बो, रेन प्लस बो, और ये देखो हमारे यहाँ पे बन गया पूरा रेनबो, तो फिर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसका, रेन प्लस बो का स्पेलिंग लिख देंगे पूरी, पहले रेन की लिखेंगे फिर बो की लिखेंगे RAIN BOW रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। ओके इस तरह हमें ये पूरा करना है, और फिर आगे देखो थर्ड नंबर में ये क्या है, फुट है, क्या है स्टूडेंट्स ये फुट, फुट मीन्स पैर का पंजा, ये रहा फुट FOOT फुट हम लिखेंगे यहाँ पर, फुट FOOT फुट, फुट हो गया। प्लस ये क्या है बॉल, तो हम बॉल की स्पेलिंग लिखेंगे BALL बॉल। अब हमें क्या करना है, इसको मैच कर देना है, इसको पूरे को जोड़ देना है, ये यहाँ पे क्या बन गया पूरा फुटबॉल, ये क्या है बड़ी सी फुटबॉल, और ये तो बॉल है और ये फुट है, तो अब इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा पूरा फुटबॉल, तो चलो लिखो FOOT BALL बॉल फुटबॉल, तो चलो इसको मैचिंग कर दिया हमने, तो ये पूरा हमारा रेडी हो गया फुटबॉल। ओके नेक्स्ट देखो फोन नंबर में ये क्या है, ये है ईयर, मींस हमारा कान, ईयर है तो हम ईयर की स्पेलिंग लिखेंगे EAR ईयर। ओके और ये क्या है, ये है रिंग, तो हम लिखेंगे RING रिंग, रिंग की स्पेलिंग लिखी हमने, अब हमें इसका प्लस करना है ईयर प्लस रिंग, तो क्या हो जाएगा ये ईयर रिंग मतलब कान में पहनने वाले झुमके, तो ये रहा ईयर रिंग, तो चलो अब हम इसको लिख लेंगे पूरी स्पेलिंग को, चलो ईयर और प्लस रिंग को लिख लो यहाँ पे EARRING ईयर रिंग मीन्स कान में पहनने वाले झुमके। ओके हमने इसको प्लस करके यहाँ पे पूरा वर्ड लिख दिया। ओके फिर देखो फाइव नंबर में ये क्या है, कप, कप और सक्सर, कप और सक्सर में क्या है टी, देखो हमें दिख रही है यहाँ पे ब्राउन कलर की टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TEA टी, और ये क्या है पॉट, हमें पता है ये पॉट है तो POT पॉट, अब हम इसका क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये है टी और ये है पॉट, और अब ये क्या बन गया पूरा टी पॉट मतलब चाय रखने वाला केटली, तो चलो इसको प्लस कर दो, टी पॉट को प्लस किया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे TEAPOT टी पॉट। ओके
तो देखो हमने इसका प्लस किया तो हमको यहाँ पे न्यू शब्द मिला टीपॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये वाला पेज पूरा हुआ आज की वीडियो में। आज आपको होमवर्क में और क्लास वर्क में आपको पहले वर्कबुक में अपना पेज नंबर 55 तक ये चैप्टर नंबर एट कंप्लीट करना है और नोटबुक में आपको ये सब कुछ होमवर्क में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।